हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एससी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एनएमडीसी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं एनएमडीसी के स्टॉक में आपको यहां पर एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखाई दिया। यदि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो क्या होंगे हमारे अगले टारगेट, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहां पर आप देखिएगा, आपके सामने यहां पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। ये देखिए इस वाले कैंडल चार्ट पे हम देख रहे हैं नीचे की तरफ 180 के आसपास यहां पर कंसोलिडेशन हमें देखा था और कंसोलिडेशन के साथ ही स्टॉक में तेजी आती है और इस तेजी के साथ स्टॉक कहां तक जाता है, लगभग 200 रुपए तक। 200 से रिजेक्शन लेकर के एक बार फिर 180 से स्टॉक ऊपर की तरफ चला, कहां तक, लगभग 225 तक। अब आप देखेंगे नई रेंज फाउंड होती है। अब जो सपोर्ट लिया गया है वो कहां लिया गया, 200 रुपए पे। ये देखिएगा 200 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है और 200 पे सपोर्ट लेकर के स्टॉक फिर से आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। कहाँ तक की तेजी आई तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ लगभग 250 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देता है। फिर रिजेक्शन हुआ, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला 250 के आसपास, फिर से गिरावट हुई। यहाँ से स्टॉक में आपको फिर से तेजी देखने को मिली 240, एक बार फिर बड़ी गिरावट होती है और ये गिरावट एक बार फिर से 200 रुपए के आसपास के लेवल पे आकर के यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट जनरेट करती है। हल्की तेजी, एक बार फिर सपोर्ट, यहाँ पर स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चला था लेकिन यहाँ पर हमने फिर क्या देखा, 250 के आसपास जाकर के स्टॉक फिर से रिजेक्शन लिया लेकिन फाइनली अब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। अब आप देख सकते हैं कहाँ आपको ब्रेकआउट दिखा, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ भी रिजेक्शन था, यहाँ पर भी रिजेक्शन था और एक रिजेक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिला लेकिन यहाँ पर अब रिजेक्शन नहीं, यहाँ देखिए ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट यहाँ पर लगभग सस्टेन भी कर चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यदि आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले रहे हैं 257 रुपए के आसपास, यदि आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। नीचे की तरफ 245 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कितना रहेगा स्टॉप लॉस, 245 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और अब अगर हम बात करें टारगेट की तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 280 रुपए तो मिनिमम टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर आएगा, लेकिन यदि 280 के भी ऊपर जाता है तो 300 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा क्योंकि यदि रिवर्सल होता है तो स्टॉक फिर से नीचे अगर आएगा तो आपको बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है जो कि आपको फिर से 200 रुपए तक लेकर के आ सकती है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 245 का, एंट्री होगी 257 पे और टारगेट 280 रुपए का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहां पर आप वेट करते हैं ऊपर जाता है स्टॉक तो 300 रुपए तक आपको सेकंड टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू एनएमडीसी शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।